भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के कुछ ऐसे शौक हैं जिन्हें सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे और आपको पता चलेगा कि भाई शौक हो तो पवन सिंह जैसे। जी हाँ, पवन सिंह भोजपुरी जगत के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिनका हर बार हर फिल्म में लुक्स चेंज होता है, जिनके कपड़ों पर बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, जिनके लुक्स को पहले ही डिसाइड किया जाता है कि इस लुक में पवन सिंह अपनी अगली फिल्म करेंगे। जैसे कि फिल्म सत्या को देख लीजिए, धड़कन को देख लीजिए, ये सारी फिल्मों को अगर आप देखेंगे तो पवन के लुक से ही पहचान जाएंगे कि कौन सी फिल्म है ये। पवन की लुक से ही उस फिल्म का नाम भी पहचान जाएंगे। तो चलिए बताते हैं पवन के कुछ ऐसे बड़े शौक जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि भाई ऐसे शौक तो कोई रहीश ही रखता होगा। वैसे पवन सिंह बताते हैं कि अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन उनका स्ट्रगल भोजपुरिया और जितने भी स्टार्स थे उनसे काफ़ी अलग था। वैसे पवन सिंह ने अपने स्ट्रगल के दौर में भी, आपको बता दें, आपको सुन के बहुत ताज्जुब होगा कि जब वो अपने चाचा के साथ रिहर्सल पर जाया करते थे या स्टेज शो किया करते थे, तब तो वो साइकिल पर जाया करते थे नो डाउट, लेकिन जब उनका दौर आया तो उनके पास एक बाइक थी, उससे वो स्ट्रगल किया करते थे। फिर उसके बाद जैसे ही उनका धीरे धीरे रुतबा बढ़ता गया भोजपुरी इंडस्ट्री में, उन्होंने अपने उन सारे शौक को पूरा किया जिसके लिए एक सुपरस्टार जाना जाता है। पवन के पास महंगे कपड़े हैं, महंगी गाड़ियां हैं और महंगी घड़ियां हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ पवन सिंह को, आपको नहीं पता होगा, गोल्ड का भी बहुत शौक है। पवन सिंह के पास काफ़ी महंगे गोल्ड हैं, जी हाँ महंगे गोल्ड हैं। साथ ही पवन सिंह के पास लग्जरी गाड़ियों का काफिला है, फिर वो चाहे बाइक की बात हो या फिर कारों की, हर एक चीज़ पवन के पास भोजपुरी में सबसे A1 की है, एक क्लास की है। और पवन सिंह जितनी महंगी गाड़ी में चलते हैं शायद ही भोजपुरी का कोई और सितारा इतनी महंगी गाड़ी में चलता है। खैर, आपको बता दें कि पवन सिंह एकमात्र भोजपुरिया ऐसे स्टार हैं जिनकी तुलना सलमान खान से की जाती है, और सलमान खान भी लार्जर देन लाइफ जीते हैं, उसी तरह पवन सिंह भी लार्जर देन लाइफ जीते हैं। और मुंबई में भी पवन सिंह के घर की कीमत बाकी सारे भोजपुरिया स्टार्स से बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में है। वो मुंबई के मलाड में रहते हैं और उसके अलावा भी उनके मुंबई में कई घर हैं, जैसे अंधेरी जैसे पॉश एरिया में भी पवन सिंह का अपना खुद का घर है और मलाड में भी उनका अपना खुद का घर है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पवन सिंह में हैं और किसी में नहीं। खैर, हम अगर उनके प्रोफेशनल लाइफ में आए तो पवन सिंह फीस भी सबसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। पवन सिंह के फिल्मों का जो बजट है वो भी बहुत हाई होता है। क्रैक फाइटर उसमें का एक नमूना है, जो अब तक की भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म बताई जाती है। साथ ही अगर आप उनके एल्बम्स की बात करें तो वो HD वीडियोस होते हैं हमेशा। कभी भी आपने देखा होगा कि पवन सिंह के जो क्वालिटी होती है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। ओवरऑल पवन सिंह के शौक की बात करें तो भोजपुरी में सबसे बड़ा शौक अगर कोई रखता है तो वो कोई और नहीं, पवन सिंह है। आपको कैसी लगी हमारी ये स्टोरी, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।